गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आरके पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर सेकंड समूह समाकलिता, मोनोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता, होमोमॉर्फिज्म, एकीकृत समाकलिता, वन वन मोनोमॉर्फिज्म और उसके बाद आच्छादक वन टू मॉर्फिज्म, इनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कर्ल की डेफिनेशन पढ़ ली थी, कर्ल क्या होता है, और दो या तीन हमने थ्योरम्स कंप्लीट करी थी। आज हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे और यूनिट नंबर सेकंड की बची हुई थ्योरम्स आगे करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट आगे की थ्योरम देखो। नेक्स्ट थ्योरम देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ये जानना करनी है इनको। देखो स्टेटमेंट, क्या कह रहा है कथन, कथन कह रहे प्रत्येक कर्म विधि में, प्रत्येक कर्म विधि में समूह का समाकलन प्रतिबिंब भी कर्म विधि में होता है। क्या बोला फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पार्टी क्या बोला, प्रत्येक कर्म विधि में समूह का समाकलन, प्रत्येक कर्म विधि में समूह का समाकलन प्रतिबिंब भी कर्म विधि में होता है। यह फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, प्रत्येक चक्रीय समूह का समाकलन प्रतिबिंब, प्रत्येक चक्रीय समूह का, अब तुमने लास्ट पीछे क्लास से देखी होगी, उसमें मैंने चक्रीय समूह पढ़ाया था, साइक्लिक ग्रुप पढ़ाया था, और लास्ट क्लास पढ़ी होगी तो तुम्हें याद है, नहीं तो नहीं याद है, नहीं तो किस समझ में आएगा। प्रत्येक चक्रीय समूह का समाकलन प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, ये प्रूफ करना है। देखो ठीक है, प्रूफ देखो, समझने को कुछ करना। देखो प्रत्येक कर्म विधि में समूह, मान लो जी कोई समूह है, जी कोई समूह है, तो उसका समाकलन क्या बनेगा, एफ जी। प्रत्येक कर्म विधि में समूह का समाकलन प्रतिबिंब भी कर्म विधि में होता है, तो ये एफ जी भी क्या होना चाहिए, कर्म विधि, मतलब जी के कोई एलिमेंट है ए और बी, तो ए स्टार बी मतलब बी स्टार ए के, तो इनका प्रतिबिंब बनेगा एफ ए और एफ बी, वो भी क्या होनी चाहिए, कर्म विधि में होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। दूसरा चक्री है, चक्री का जैसे ये बताऊंगा आपको। देखो
पहले ही सुन लिखो, माना जी तथा दो स्पीकर लेस के, माना जी तथा जी डैश दो समूह है तथा फलन एफ, माना जी तथा जी डैश दो समूह है तथा फलन एफ, जी से जी डैश में समाकलनीय है। तथा ई और ई डैश क्रमशः जी और जी डैश के तत्समक अवयव, तत्समक अवयव तब एफ जी, तब एफ जी जी का समाकलनीय प्रतिबिंब होगा, तब एफ जी समाकलनीय प्रतिबिंब बताना है, भी कर्म विनिमय होगा ही बनाना है। पहले मैंने माना कि एफ जी जी का एलिमेंट है, उसका प्रतिबिंब एफ जी तो बनेगा, तो जी का समाकलनीय प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब हो गया समाकल का ही जी, जी से जी डैश में उसका प्रतिबिंब एफ जी, ठीक है। इस प्रकार देखो एफ जी एफ एक्स वो एलिमेंट है, ठीक है, और एफ एक्स किसमें है जी डैश में, और ये जानते हैं एफ जी इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स एफ जी का एलिमेंट है और एफ एक्स इसमें जी डैश में एंड एक्स इसमें जी में, ये है, ठीक है। आई चीज समझ में, एफ इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स एफ जी का एलिमेंट है, एफ एक्स जी डैश में एंड एक्स जी में है। आगे समझ में, आगे देखो अब देखो अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ करेंगे पहले सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है कि सॉरी देखो इस एफ जी में मुझे क्या बताना है, कर्म विधि में बताना है, क्या बताना है कर्म विधि में, अभी एफ जी को मुझे कर्म विधि में बताना है, समाकलनीय प्रतिबिंब तो है ये तो लिख लिया हमने, इसको कर्म विधि में बताना है, उसके लिए मुझे पहले एफ जी को जी डैश का उप समूह सिद्ध करना होगा। देखो सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है कि एफ जी, एफ जी जी डैश का ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो एफ जी जो है उसे मुझे कर्म विधि को बताना है, और कर्म विधि में कब होगा जब वो समूह होगा, तो मैं एफ जी को जी डैश का उप समूह बता दूंगा, तो वो स्वयं अपना क्या हो गया समूह हो गया, समूह होते ही वो क्या हो जाएगा कर्म विधि हो जाएगा, ठीक है। कर्म विधि डेफिनेशन आगे प्रूव कर दूंगा, जिसके लिए सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है कि एफ जी जी डैश का उप समूह है, इसके लिए हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए को एलिमेंट है, ए को एलिमेंट है एफ जी में और बी को एलिमेंट है एफ जी में, तो ए बी इनवर्स, वो भी किसमें होगा
ये डेफिनेशन बार-बार यूज हुई उपसमूह की, तो ये तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, क्या बोला, ए को एलिमेंट है एफजी का, बी को एलिमेंट है एफजी का, ए बी इनवर्स भी किसमें होगा, एफजी के अंदर होगा। आगे देखो, रुक करो, ये ए एफ जी में है ना, ये कोई ना कोई जैसे ए इक्वल टू एफ एक्स होगा या बी इक्वल टू एफ आई होगा, ऐसा कुछ होगा। ये मत मान लो ये जो जी में है इसमें कैसे मान लेना, ए इक्वल टू एफ एक्स है, बी इक्वल टू एफ वाई है। देखो अब तुम देखो, माना ए बिलोंग टू एफ जी तथा बी बिलोंग टू एफ जी, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि प्रतिबंध देखो, माना ए बिलोंग टू एफ जी, बी बिलोंग टू एफ जी, तब एक्स और वाई वो जी में, इस प्रकार है कि ए इक्वल टू एफ एक्स, बी इक्वल टू एफ एक्स। देखो ए जी एफ जी में है, एफ जी देखना एफ डैश की जाना, ए एफ जी में तथा बी भी एफ जी में, तब एक्स वाई बिलोंग टू जी, इस प्रकार है कि, ठीक है, इस प्रकार है कि ए इक्वल टू एफ एक्स, एक्स और वाई जी में, एफ जी में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स और एफ वाई लिखना पड़ेगा, ए इक्वल टू एफ एक्स, बी इक्वल टू क्या एफ वाई। आ गया समझ में, आइए अब ले लेंगे अपन इसको, अब इसको भी एफ जी में बताएंगे। देखो ए बी इनवर्स इक्वल टू ए की वैल्यू एफ एक्स और इसकी वैल्यू एफ वाई का होल इनवर्स। आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ वाई इनवर्स, ए इनवर्स अंदर ले लिया, ले लिया, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स वाई इनवर्स, आया ना, ठीक है। और मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, यदि एक्स जी में है, ये देखो एक्स और वाई जी में है और वाई जी में है, तो एक्स वाई इनवर्स वो भी जी में होगा क्योंकि जी एक समूह है। जब देखो एक्स वाई इनवर्स जी में है तो ये बन गया एफ जी, बन गया ना, तो ये बन गया एफ, ये भी किसमें, जिसमें एफ जी में, अर्थात एफ एक्स वाई वो किसमें एफ जी में, दोनों तरफ एफ लगा दिया, क्यों, एफ सुपरिभाषित है, है नहीं, इसका मतलब देखो एफ एक्स वाई इनवर्स किसमें आ गया एफ जी में, पर एफ एक्स वाई किसकी इक्वल में, ए बी इनवर्स की, इसका मतलब क्या हो गया, तो ए बी इनवर्स वो भी किसमें होगा एफ जी में। आई में चीज समझते, इसका मतलब ए एफ जी में है, बी एफ जी में है और ए बी इनवर्स भी एफ जी में आ गया, अर्थात अर्थात एफ जी जी डैश का उपसमूह है। ठीक है, अर्थात एफ जी जी डैश का उपसमूह, अब वो सब हो गया तो मैं सब कर्म विधि प्रूफ करना है, और कर्म विधि में के लिए क्या प्रूफ करते थे, आवेली प्रूफ, याद है कि नहीं, सबों की डेफिनेशन कराई थी मैंने, उस
उससे पहले मैंने आगे भी ग्रुप की डेफिनेशन कराई थी, उसमें वो समूह होना चाहिए और कर्म मिनी में होना चाहिए। अब आगे भी ग्रुप ग्रुप करेंगे, इससे पहले इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो ये सब कुछ जी वाले लिख दिया, जी का प्रतिबिंब क्या होगा, एफ जी के ऊपर समाकारी है इसलिए समाकारी प्रतिबिंब है। इस एफ जी को ही जी तो कर्म मिनी में है, इसके प्रतिबिंब यानी एफ जी को जो कि जी डैश का एलिमेंट है, इसी को मुझे क्या बताना है कर्म विधि में। उसके लिए मुझे उससे पहले समूह रूप करना पड़ेगा, समूह कब होगा जब वो समूह होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे समूह रूप करने के लिए तुम ऐसे धंधा करोगे दसवा करोगे टूटोगे ये करोगे वो ये नहीं। अब ये कंडीशन ये वाली कंडीशन देखो एफ जी क्या हो गया, एफ जी का मतलब एफ एक्स, एफ एक्स एफ जी का लिमिट, एक्स जी का लिमिट, एक्स जी का लिमिट, इसलिए यहाँ पे ये को भी माना। और एफ एक्स जी डैश का लिमिट है, एक्स जी का लिमिट। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि एफ जी जी डैश का एफ जी जी डैश का उपसमूह है। इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि ए एफ जी में ए का मतलब एफ एक्स, बी एफ जी में ए बी इनवर्स एफ जी होना चाहिए तो उपसम हो जाएगा। माना ए एफ जी में बी एफ जी में, तब एक्स और वाई जी के अंदर इस प्रकार है कि एफ एक्स एफ एक्स जब एफ जी का लिमिट है वो मान लिया ए और एफ वाई वो मान लिया ए, इस फॉर्म में। अब मुझे लाना है ये ए बी इनवर्स, ये ए बी इनवर्स है ना, इसको भी एफ जी में ले लिया, ए की वैल्यू एफ एक्स बी इनवर्स की वैल्यू एफ वाई का इनवर्स, ये हमने फर्स्ट टर्म करी थी होमोमॉर्फिज्म ग्रुप समाकलन है, ए इनवर्स अंदर आता है। आइए इसको मैंने लिख दिया एफ एक्स वाई इनवर्स समाकलन की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन समाकारी से समाकलन से एफ ए एस एफ बी एफ एफ ए स्टार बी एफ एक्स वाई इनवर्स हो गया। यहाँ पे लिखने लो इसे ना दिखाई क्या इस पर लिखे ना ए इनवर्स इक्वल टू एफ एक्स वाई इनवर्स, ये लिखा दे दिखाई इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ तक आगे समझे इसका मतलब एक्स वाई एक्स और वाई जी में है तो एक्स वाई इनवर्स भी जी भी होगा, दोनों तरफ एफ लगा दिया क्योंकि एफ से परिभाषित है तो ये भी जी में होगा एफ जी में, और ये किसके इक्वल है इसके, चलो ये भी एफ जी में होगा, ए एफ जी में बी एफ जी में ये भी एफ जी में आ गया, चलो एफ जी जी डैश का उप समूह हो गया। ठीक है अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब देखो अब करेंगे माना, देखो बोला है प्रत्येक कर्म विधि में समूह, तो माना जी ए आवेदी समूह है, जी ए आवेदी समूह है पहले वाले, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ डी बी ए आवेदी समूह होगा। क्या बोला देखो प्रत्येक कर्म विधि में समूह, मान लिया कि जी का आवेदी समूह है का समाकारी प्रतिबिंब यानी एफ जी भी कर्म विधि में होगा तो मुझे प्रूव करना है वो भी आवेदी समूह होगा। देखो कैसे करेंगे, ए एलिमेंट है एफ जी का बी एलिमेंट है एफ जी का, तो सिद्ध करना है करना है कि ए बी इक्वल होगा बी के, ये था माना एक्स और वाई जी के एलिमेंट है तो ए इक्वल टू एफ एक्स और बी इक्वल टू एफ वाई आया ना।
देखो ए और ए और बी एफ जी के एलिमेंट है, एफ जी के एलिमेंट, तो एक्स और वाई यदि जी के एलिमेंट है तो एफ एक्स और एफ वाई वो एफ जी के एलिमेंट है। आगे इधर वाली साइड भी ले लीजिए बी को, ए का मतलब एफ एक्स, बी का मतलब एफ वाई, ठीक है। देखो एफ एक्स वाई साथ में आ जाएगा जो समाकलित है, पढ़ाया ना समाकलित एफ ए स्टार बी टू एफ ए एस एफ बी, इस फॉर्म में ही कर, इस फॉर्म में लिख दिया। आगे समझो आइए देखो ये भी। अब एक्स वाई को वाई एक्स लिखूंगा मैं, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ जी यहाँ पे जी है और एक्स और वाई जी के एलिमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी आबेली है, जी के आबेली है। इसका मैं देखो ए बी इक्वल टू, अब वापस अलग कर दूंगा एफ वाई एफ एक्स, चलिए आगे ए बी इक्वल टू एफ वाई के लिए क्या जाएगा बी और एफ एक्स के लिए क्या जाएगा ए, ये फुल आएंगे चीज और में आ गया प्रूफ हो गई। कहते हैं समाकारी प्रतिबिंब, लिख रहे हैं समाकारी प्रतिबिंब एफ जी, एफ जी बी कर्म बी जी बी है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसका एक पार्ट हुआ भी। आगे सुनिए अतः समाकारी प्रतिबिंब एफ जी भी कर्म बी में, क्योंकि ए और बी एफ जी का एलिमेंट माना था तो ए बी इक्वल टू बी लिया है, अगर एफ जी भी क्या है कर्म बी में। आया समझ इसको, आराम से स्क्रीन शॉट लो घर पे और अच्छे से पढ़ना, ये इजी लैंग्वेज है बुक में नहीं मिलेगी, स्क्रीन शॉट लेना इसको समझ समझ के पढ़ना, ठीक है। अपने से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कुछ नहीं है डेफिनेशन से याद रखो, समाकारी क्या होता है, उपसमूह क्या होता है, समूह क्या होता है, सब चैप्टर जुड़े हुए, इसलिए अलजेब्रा में कोई भी बीच का चैप्टर उठा के नहीं पढ़ा सकते, फर्स्ट चैप्टर बस सेकेंड फिर लाइन में चलना है, ठीक है। ये पता होना चाहिए समाकारी क्या होता है, आवेली क्या होता है, पीछे एक क्लास देखी होगी तो सब पता होगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए सेकंड पार्ट पे, प्रत्येक चक्रीय समूह का समाकालिक प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, मतलब जी चक्रीय समूह है तो समाकालिक प्रतिबिंब एफ जी वो भी चक्रीय समूह होना चाहिए, ये बताना। चले देखो नेक्स्ट करो, यहाँ तक सेम नहीं है, यहाँ से कर देखो ये चीज तो हो जाएगी, जी और डी डैश दो समूह है तथा फलन एफ जी सी डी डैश भी समाकारी है,
तथा ई और ई डैश करने से जी और जी डैश के दशमलव का उपयोग है, तब एफ जी जी का समाकलनीय प्रतिबिंब होगा। एफ जी इक्वल टू एफ एक्स, ये इसका एलिमेंट एक्स जी का एलिमेंट, और एफ एक्स जी डैश में होता है। तो आगे देखो हमें सिद्ध करना है कि जी एक चक्रीय समूह है तथा ए जी का जनक अवयव है, तब एफ जी बी समाकलीय प्रतिबिंब लिखो, यहां पर लिखा ना, देखो समाकलीय प्रतिबिंब मैं पूरा लिख दूं, तब समाकलीय प्रतिबिंब तब समाकलीय प्रतिबिंब एफ जी बी चक्रीय समूह होगा, ये प्रूफ करना है। देखो समझो, हमें सिद्ध करना है कि जी एक चक्रीय समूह है जी, तब ए जी का जनक अवयव है, तब समाकलीय प्रतिबिंब एफ जी समाकलीय प्रतिबिंब, अरे फलन एफ है वो जी से जी डैश में समाकलीय है, तो जी का समाकलीय एफ जी बनेगा जो कि जी डैश में होगा, ये भी चक्रीय होगा, ये प्रूफ करना है। देखो क्या करेंगे, पर तो चक्रीय समूह की डेफिनेशन रिमाइंड करा दूं तुम्हारे को, मान लो कोई भी समूह है ठीक है, उसका कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को मैं बाकी एलिमेंट को उसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट को मैं उसकी घात के रूप में यदि प्रदर्शित कर सकूं तो वो एलिमेंट जो ग्रुप है वो चक्रीय ग्रुप में लगता है ठीक है, और जो वो ए होता है वो उसका जनक अवयव कहलाता है ठीक है। देखो देखो, माना ए जी का माना ए जी का जनक अवयव है तो जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक, माना ए जी का जनक अवयव जनक है तो जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, अतः माना एक्स को एलिमेंट है जी का, अतः माना एक्स को एलिमेंट है जी का, तो मैं एक्स को ए की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूं, माना अतः माना एक्स एलिमेंट है जी का, तो एक्स को मैं ए की पूर्णांक घात, एन क्या है यहां पे पूर्णांक है, ये रूप में प्रदर्शित कर दिया। ये तो डेफिनेशन है चक्रीय समूह की कि कोई भी एलिमेंट है जी का तो उसके जनक अवयव की घात के रूप में दिखा सकता हूँ, तो एक्स को मैंने कैसे दिखा दिया, एक और एन की फॉर्म में। देखो एक्स इक्वल टू एक और
एन, दोनों तरफ मैंने एम लगा दिया, दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया एफ। देखो एफ एक्स क्यों, क्योंकि एफ सुपरिभाषित है, कितनी बार एफ ए ए ए डेड एन बार जगह, इसको मैं समाकलता क्योंकि बोला है कि समाकली है, समाकलता से कर सकता हूँ एफ ए एफ ए एफ ए डॉट डॉट एफ ए डेड एन बार, इससे गेम से बनी क्या लिखते हो देखिए किससे गेम कि एफ ए स्टार बी को बताए एफ ए एस एफ बी है, पर मैं इसको लिखना मत नहीं समझ रहा क्यों, क्योंकि समाकल है। क्या ये समाकल है, आई नहीं ये चीज समझ में, आगे देखो आगे इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए एफ ए एफ ए एन बार आ रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ए की पावर एन आया ना। देखो इधर समझो एक्स जी का एलिमेंट है तो एफ एक्स, एक्स जी का एलिमेंट है तो एफ एक्स एफ जी का एलिमेंट होगा, और एफ एक्स एफ जी का एलिमेंट है तो उसको मैं किसी के पावर के रूप में दिखा दूं, ठीक है ऐसे देखो, तथा ए जी का एलिमेंट है तो एफ ए वो किसका एलिमेंट होगा एफ जी का, देखो एक्स जी का एलिमेंट है तो एफ एक्स एफ जी का, ए जी का एलिमेंट है क्योंकि ए को मैंने जनक अवयव माना जी का, तो एफ ए किसका एलिमेंट होगा एफ जी का, देखो एफ एक्स किसका एलिमेंट है एफ जी का, उसको मैंने एफ ए किसका एलिमेंट है एफ जी के, ई पूर्णांक धातु के रूप में दर्शा दिया, इसका मतलब क्या था एफ ए एफ जी का जनक अवयव है, जनक अवयव है तथा एफ जी के प्रत्येक अवयव को प्रत्येक अवयव को एफ ए देखो एफ ए की पूर्णांक घात के रूप में दर्शा सकता दर्शा सकते सकते है, अतः अतः जी का समाकली प्रतिबिंब एफ जी क्या है एक चक्रीय समूह है, ये होगी पूरी इंपॉर्टेंट टर्म कंप्लीट। आए समझ में, यहाँ पे आइडिया होगा भी कर दिया एन बार अंतर एफ एक्स और एन बार लिख दिया एफ एक्स एफ जी का लिख दिया एफ ए बी एफ जी का लिख दिया,
इसको मैं इसकी पावर के फॉर्म में निकाल रहा हूं, ये हो गया एफ जी का जनक अवयव। क्यों? क्योंकि एफ जे की पूर्णांक घात के रूप में एफ एक्स को निकाल रहा हूं, अतः जी का समाकलित प्रतिरूप एफ जी एक चक्रीय समूह है। आई ये चीज समझ में? आ गया, ये चलो देखो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, पीछे वाला पार्ट और ये पार्ट भी लगे, पूरे दोनों पार्ट हो गए। लो इसका स्क्रीन शॉट और पढ़ो अच्छे से, खूब मेहनत करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो। नेक्स्ट देखो, ये आगे समझे, ठीक है। नेक्स्ट चरण थोड़ी लेंथी है, तो हम उसको अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।